गुड मॉर्निंग, मैं मंजू मैम हूँ, क्लास 3 का हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर है 12। चैप्टर का नाम है राखी का त्यौहार। राखी केवल भाई बहन का त्यौहार नहीं है, अपितु यह मनुष्यता तथा भाईचारे का पर्व है। रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र प्रेम का अनोखा त्यौहार है। यह त्यौहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनके लिए मंगल कामनाएं करती हैं। भाई भी बहनों को हर प्रकार की विपत्ति से रक्षा करने का वचन देते हैं। इस दिन बाजारों में खूब रौनक होती है, जगह जगह राखियां बेची जाती है, मिठाइयों की दुकानों पर भारी भीड़ जमा रहती है। सब लोग अपनी अपनी पसंद की मिठाइयां खरीदते हैं। राखी का त्यौहार प्रति वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसके संबंध में कुछ कथाएं प्रचलित है। हजारों वर्ष पहले देवताओं और राक्षसों में युद्ध होने वाला था। राक्षस बहुत शक्तिशाली थे। देवताओं के राजा इंद्र बार बार राक्षसों से पराजित हो जाते थे, इसलिए उनकी पत्नी सची ने कठोर तपस्या करके उनके लिए रक्षा सूत्र तैयार किया। जब वे युद्ध के लिए जाने लगे तो सची ने उनकी आर्थिक तारी उनके एक माथे पर तिलक लगाया और उनके दाएं हाथ की कलाई में वह रक्षा सूत्र बांधा। यहीं से रक्षाबंधन का त्यौहार आरंभ हुआ। धीरे धीरे त्यौहार का रूप बदला। यह त्यौहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक बन गया। जब देश में मुगलों का शासन था तो राखी बांधने की एक ऐतिहासिक घटना हुई। चित्तौड़ के राजा राणा सांगा का विधवा रानी कर्णवती की राज्य पर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया। कर्णवती बड़ी वीरता से लड़ी, पर उसे विश्वास हो गया कि युद्ध में उसकी विजय नहीं हो सकेगी। तब उसने मुगल सम्राट हुमायूं के पास एक राखी भेजी और सहायता के लिए प्रार्थना की। हुमायूं ने भी उसे अपनी बहन मान लिया। अपना कर्तव्य निभाने के लिए वह अपनी सेना लेकर चित्तौड़ की ओर चला, पर जब वह चित्तौड़ पहुंचा तब तक महारानी कर्णवती की हार हो चुकी थी और उसने चित्तौड़ की हजारों स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया था। हुमायूं को बहुत दुख हुआ। उसने गुजरात पर तुरंत हमला करके सुल्तान को पराजित कर दिया। आज भी बहनें इस दिन राखी बांधते समय प्रार्थना करती है कि राखी उनके भाई को हर संकट से बचाएं, तथा भाई भी अपने बहन की रक्षा का प्रण करते हैं। इसलिए राखी का बंधन रक्षा का बंधन कहलाता है। हमें सदैव प्रेम और भाईचारे के साथ रहना चाहिए। होमवर्क है, सब याद कीजिएगा।